मेष राशि वालों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम के 4:20 के बाद यह घटना आपको राजा बना देगा। आपने कभी अपने सपने में नहीं सोचा था वह घटना होने वाला है। दोस्तों अब आप सभी का जीवन स्वयं कर्म फलदाता भगवान शनिदेव के हाथ में है और भगवान कुबेर महाराज के हाथ में है। हम आप सभी को बता दें कि आज शाम के 4:20 के उपरांत कुबेर महाराज आप सभी के ऊपर बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं और जो बड़ी घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाला है दोस्तों आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। जी हां दोस्तों अब आपका वह समय आ गया जिसके लिए आप बरसों से मेहनत कर रहे थे। भगवान शनिदेव अब अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के कुंडली में कर बड़े शुभ और कुबेर महाराज आप सभी के घर अगले 24 घंटे के अंदर आने वाले धन दौलत को लेकर अब आप सभी का घर खुशियों से भर जाएगा क्योंकि दोस्तों अब आप सभी के ऊपर साक्षात धन के देवता कुबेर महाराज का आशीर्वाद है। अब आप सुबह की कुंडली में कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो आपको मालामाल कर देगा। जी हां दोस्तों बस आप आज के इस वीडियो को बिल्कुल ही अकेले में देखिएगा, बिल्कुल ही अपने मुंह पर ताला लगा कर दीजिएगा। जो राज की बात हम आप सभी को बताने वाले यह बातें आप किसी के कानों कान खबर होने मत देना, नहीं तो दोस्तों आप बहुत पछताओगे क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। बड़े ही किस्मत वाले हो आप जो आपको ऐसा मौका मिल रहा है। शनि देव और कुबेर महाराज आप सभी के जीवन में एक साथ प्रसन्न हो चुके हैं तो दोस्तों आप बहुत बड़े भाग्यशाली इंसान होंगे। आपने कोई ना कोई अच्छा कर्म जरूर किया होगा, यह बात तो आपको ही पता होगा, इसलिए आप सभी के जीवन में इतने अच्छे अच्छे शुभ योग बनने वाले। मां धन लक्ष्मी योग, सिद्ध योग, लक्ष्मी नारायण योग और कुबेर योग का निर्माण हो चुका है। दोस्तों एक साथ आप सभी की कुंडली में ऐसा बदलाव होने वाला है कि आपके गांव मोहल्ले में आपका नाम की डंकी बजने वाले हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। दोस्तों अब आपका जीवन बदलने की कगार पर खड़ी है, बस आपको ग्रह गोचर का सही तरीके से उपयोग करना है और मौके का लाभ उठाना है। ये गर्भवती आपको इतना बड़ा और इतनी भयानक खुशखबरी देने वाली है कि घर और परिवार खुशी से पागल हो जाएंगे। घर घर जाकर आपको मिठाई बंटनी पड़ेगी। दोस्तों सभी कामों मीठा करवाना पड़ेगा क्योंकि अब आपके जीवन में एक साथ 5-5 बड़े खुशखबरी और 7 बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। अब आप ढोल नगाड़े बजने की तैयारी कर लो क्योंकि कामयाबी आपको ऐसा मिलने वाला है जिसे आप सभी का जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी है सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिससे कि हमने आप सभी की कुंडली का आकलन किया है। आपके जीवन में पैसे की बहुत ज्यादा समस्या है, पैसों को लेकर आप बहुत परेशान चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब आप सभी का जो पैसे की दिक्कत है, जो समस्या है वह खत्म होने वाला है। और दूसरा जो बड़ी समस्या है वह आपकी जीवन में दुश्मन को लेकर। दोस्तों दुश्मन आपको परेशान करते रहते हैं, आपके जीवन में एक ना एक परेशानी खड़ी कर ही देते हैं। दोस्तों आपके जीवन में ऐसा शत्रु है जो खुद कुछ कर नहीं सकते और आपको भी कुछ करने नहीं देती है। अब कुबेर महाराज का आशीर्वाद आपके साथ है तो अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन में जो बदलाव होने वाले हैं यह दुश्मन जल जल कर राख हो जाएगा। और अब आपके ऊपर भगवान शनिदेव का भी नजर है तो जो भी आपके शत्रु है उसको भगवान शनिदेव सजा देने वाले हैं। आपके शत्रु का अंतिम समय आ चुका है दोस्तों, बस हम आज जो इस वीडियो में आगे आप सभी को बताने वाले हैं इन सभी बातों का ध्यान आप पूरे अच्छी तरीके से रखिएगा। जो बात हम आप सभी को बताने वाले हैं इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कोई भी यूट्यूब पर ऐसा नहीं है जो ऐसा बात बताता है। आज के वीडियो में हम आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और जो आपकी जीवन काल में परेशानी है सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम इस बात की फुल गारंटी देते हैं। दोस्तों मैं शैलेंद्र पांडे आज की भविष्यवाणी कर रहा हूं। यह भविष्यवाणी नहीं, आपके जीवन का एक नया मोड़ है जिससे आप सभी का जीवन रंग से राजा की ओर जाने वाला है। अब आप सभी का जीवन गरीबों को पार करके अमेरिकी ओर जाने वाला है। दोस्तों अब आप अपने घर का वह सदस्य बन जाएंगे जो घर के गरीबों को दूर करता है क्योंकि अब आप सभी के ऊपर भगवान शनिदेव और कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद है। अब आप सभी के जीवन काल में एक से बढ़कर एक खुशखबरी आने वाली है।
एक से बढ़कर एक नई कामयाबी आप सभी को मिलने वाला है दोस्तों। अब आप सभी के जीवन काल में बधाई का माल आपके गले चढ़ेगी। अब आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपका बुरा समय खत्म होने वाला है और अब आपके जीवन के अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। बस आपको धैर्य के साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है दोस्तों। वह कोई मूर्ख ही होगा जो आज के इस वीडियो को मजाक समझेगी, क्योंकि आज किस वीडियो का विश्लेषण पंचांग की करना और आपकी कुंडली का विश्लेषण और ग्रह गोचर का विश्लेषण करने के बाद तैयार किया गया है, जो आप सभी के जीवन को बदल कर रख देगा। बस हमारा इतना शर्त है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भगवान शनिदेव और भगवान कुबेर महाराज जी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय शनिदेव जय हो धन के देवता कुबेर महाराज एक बार नहीं दोस्तों 3 बार लिख दीजिएगा। और आप यकीन मनी आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भगवान कुबेर महाराज और कर्म फलदाता भगवान शनिदेव आपको एक बड़ी खुशखबरी देंगे। जी हां दोस्तों, आपकी जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। अब आप बैठे बैठे राजा बन जाओगे शेर की तरह। अब आपकी दहाड़ मारेगी किस्म। जी हां दोस्तों, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप सभी के जीवन काल में अब 4 चांद लगने वाले हैं। अब आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी, हर वह चीज जिसे आप चाहते हैं आपके कदमों में होगी। जी हां दोस्तों, अब आपकी तरक्की दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। कुछ यूं ही ऐसे बन रहे हैं जिन्हें आप चाहकर भी टाल नहीं सकते हैं। जी हां दोस्तों, और यह योग कोई साधारण योग नहीं है। 30 सालों में पहली बार ऐसा योग आपकी राशि में बनने जा रहा है जिसका लाभ आपको अगले 3 दिनों में मिलना शुरू हो जा। लेकिन दोस्तों, आपको भूल से भी नहीं करना है। इन गलतियों को जिन्हें आपने पहले भी कई बार दोहराया है तो हम आपको बताएंगे कि कौन सी है वह गलतियां और कैसे अपनी गलतियों को करने से बच सकते हैं। जी हां दोस्तों, और दोस्तों यदि आप इन सब बातों को ध्यान से समझ लेंगे और अपने जीवन काल में उपयोग कर लेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगे और जो भी आपकी चिंताएं हैं डिस्टर्ब भी समाप्त हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों में जो आपका समय होगा वह किसी वरदान से कम नहीं होगा। जी हां दोस्तों, वह कहते हैं ना कि ईश्वर के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। और वैसे भी जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, दिल से बहुत ही साफ होते हैं, नेक होते हैं, ईश्वर भले ही साक्षात में उनके साथ ना हो लेकिन साया बनकर हमेशा उनकी रक्षा करते रहते हैं। फिर चाहे दुख हो या सुख हो, ईश्वर हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। फिर भी प्यारे दोस्तों, हम आपको एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि दुनिया का कोई भी योग, बड़े से बड़ा योग, यहां तक कि स्वयं भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। यदि आप कर्म को प्रधानता नहीं देते हैं, यानी आप कर्म करने में विश्वास नहीं रखते हैं, तो आपको हर एक योग का है और ईश्वर का संपूर्ण साथ प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण लाभ लेने के लिए कर्म का महत्व तो समझना ही होगा, कर्म करना ही होगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, फिर ज्योतिष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक किसान अपनी बैलगाड़ी को लेकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में एक नाली आई और उसकी गाड़ी का पहिया उस नाली में फंस गया। तो प्यारे दोस्तों, उस किसान ने हनुमान चालीसा की किताब निकाली और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। लगभग आधा घंटा गुजर गया, वह हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करता जा रहा था। तभी वहां से एक साधु महात्मा निकले। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि एक किसान, तू अपनी गाड़ी नाली में से बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है? तो किसान उस पर गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई कर नहीं कर रहा हूं? मैं कब से भगवान की पूजा कर रहा हूं, भगवान की आराधना कर रहा हूं, भगवान मेरी गाड़ी खुद ही बाहर निकालेंगे। तब उस साधु ने उस किसान को कहा, एक किसान भगवान को ठीक से समझ नहीं पाया है, क्योंकि भगवान को केवल याद करने मात्र से ही हमारा जीवन पार नहीं हो जाता है, हमें कर्म करना पड़ता है। कर्म करते करते यदि हम भगवान को याद करेंगे तो हमारा भगवान साथ देंगे और हमारे कर्मों में इतनी शक्ति भर देंगे
कि हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो यदि तू हनुमान जी को याद कर रहा है तो करता जा, लेकिन साथ में गाड़ी का पहिया निकालने के लिए जोर भी लगा। ताजा तो हनुमान जी तेरी बाजू में इतना बल भर देंगे, गाड़ी का पहिया बाहर निकल जाएगा, लेकिन बैठे बैठे हनुमान जी को याद करने से गाड़ी का पहिया बाहर नहीं निकलने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी। यहां बात कर्म के महत्व की हो रही है। प्यारे दोस्तों, हमें यदि ईश्वर का, अपने ग्रह नक्षत्रों का संपूर्ण लाभ लेना है तो अपने कर्म की शक्ति को बढ़ाते जाना होगा। फिर आप देखो, चमत्कार होते चले जाएंगे। तो ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है। इस संपूर्ण भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां चामुंडा अवश्य लिखें। जिनके साथ हूं माता चामुंडा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपके जीवन काल में अब एक खास योग बनने जा रहा है, जो 30 सालों में पहली बार आपकी कुंडली बन रहा है। जी हां प्यारे दोस्तों, स्वयं शनिदेव और मिलकर ऐसे विशेष योग का निर्माण कर रहे हैं जिसे हम सहयोग कहते हैं। यह विशेष तौर से आपके जीवन में ऐसी फायदा पहुंचाएगा कि आपकी हर एक कीड़ा को दूर कर देगा, हर लेगा, लेकिन आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, वरना आपके अच्छे योग का भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो प्यारे दोस्तों, बनी रही है ज्योतिष कार्यक्रम में हमारे साथ। हम आपको संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ बताएंगे और आपको 11 जानकारी कुछ इस प्रकार से देंगे कि आपको सब कुछ बहुत बारीकी से समझ में आता रहेगा। बस पूरे धैर्य के साथ आपको ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखना होगा। आधा अधूरा ज्योतिष कार्यक्रम देखकर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, कोई भी लावा प्ले नहीं पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शनिदेव कर्म के देवता हैं, उन्हें कलयुग में न्याय का और कर्म का देवता कहा जाता है। वैसे तो शनिदेव बहुत ही क्रूर हैं, किसी को माफ नहीं करते हैं। यदि किसी के ऊपर शनिदेव बिगड़ जाएं तो उसको मिट्टी में मिला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। फिर चाहे आप किसी भी पोजीशन में हो, कैसी भी स्थिति में हो, शनिदेव आपको माफ नहीं करते हैं। इसलिए आपको विशेष तौर से शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों को शुद्ध और साफ रखना होगा। यह प्यारे दोस्तों, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की गलत मानसिकता को, गतिविधि को अपने जीवन से दूर कर देना होगा। यदि आप किसी प्रकार के विषय में रहते हैं तो आपको व्यसन त्याग देना होगा। तो इसी क्रम में प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस शनिदेव की। तो शनिदेव की संपूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कर्मों पर कार्य करना होगा। आपको कर्म को प्रधानता देनी होगी और यमन पूरी मेहनत से अपने कर्म को करना होगा। आप चाहे जो भी काम करते हो, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, या आप एक विद्यार्थी हैं, आप जहां भी हैं सच्चे मन से अपने कर्म को की एज, बस यही शनिदेव को बहुत प्रिय है। इसी के साथ साथ आपको किसी भी प्रकार की गलत मानसिकता को अपने जीवन में जगह नहीं देनी है। आपको किसी भी प्रकार से नकारात्मकता स्वीकार नहीं करनी है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आपको छोड़ना होगा जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। किसी को अपशब्द नहीं कहने होंगे और बेसन से हमेशा दूर रहना होगा। यदि आप किसी भी प्रकार का नशा या किसी भी प्रकार की लत अपनाकर बैठे हैं जो बहुत ही हानिकारक है, तो उसे आपको त्यागना होगा। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आप इन सब कार्यों को करने में सक्षम रहते हैं तो शनिदेव आपके जीवन को चमकाने वाले हैं। आप यकीन मानिए कि आपके जीवन में बड़े ही अद्भुत चमत्कार होने जा रहे हैं। अगले 3 दिनों में आपका जीवन बदलने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है कि किसी महिला का अपमान आपको किसी भी कीमत पर नहीं करना है। किसी सफाई कर्मचारी को आपको किसी भी प्रकार से नाराज नहीं करना है। और तीसरा, सबसे खास, यदि आपके दरवाजे पर कोई मदद के लिए आता है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद अवश्य करें, उसे खाली हाथ किसी भी कीमत पर वापस ना पहुंचाएं। यहां तक कि आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर भी आ जाए तो आप उसे भी खाली हाथ वापस ना लौट आए, उसे भी कुछ ना कुछ खाने को अवश्य दें। तो प्यारे दोस्तों, ये तो थी वह सावधानियां जो आपको आने वाले समय में रखनी है, जिससे कि आप शनिदेव की और खुद की संपूर्ण कृपा प्राप्त कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, याद रखना कि जिस प्रकार शनि को न्याय का और कर्म का देवता कहा जाता है,
उसी प्रकार में बुध ग्रह को व्यापार का उन्नति का ग्रह माना जाता है। तो यदि आप खुद का भी संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो आपको खुद को मजबूत करने की आवश्यकता रहेगी। प्यारे दोस्तों, याद रखना कि बुध को देवता की श्रेणी में नहीं रखा जाता, यह एक ग्रह मात्र है। केवल शनि को ही देवता की श्रेणी में रखा जाता है, तो शनि का पूजन किया जाता है, लेकिन बुध का पूजन नहीं किया जाता है, लेकिन उसके देवता गणपति को माना जाता है। यदि आप गणपति की पूजा सच्चे मन के साथ करते हैं, आपको भूत की कृपा अपने आप प्राप्त होने लगती है। तो अब ध्यान से सुने कि आपको कौन सी ऐसी उपाय हैं जो करने हैं जिससे आप हो शनि का लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद हम खुद के बारे में बात करेंगे जिससे आप खुद को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, याद रखें कि शनि को सरसों का तेल बहुत प्रिय है, लोहे की चीजें बहुत प्रिय हैं। तो जब आपका स्टडी मजबूत होता है तो आप उल्लू दान करना चाहिए। जी हां, प्यारे दोस्तों से जुड़ी हुई कोई भी चीज आप दान कर सकते हैं। काले वस्त्र दान कर सकते हैं, जूते भी आप दान कर सकते हैं। लेकिन याद रखना प्यारे दोस्तों की वस्त्र आपकी उतरण नहीं होने चाहिए, फटी पुरानी नहीं होने चाहिए। जूते आपकी उत्तर नहीं होनी चाहिए, फटे पुराने नहीं होने चाहिए। जूते यदि आपको किसी को दान करना है तो नई खरीद कर करें। वस्त्र यदि आपको किसी को दान करना है तो आप नहीं खरीद कर ही दान करें। अपनी उत्तरण फूलदान समझने की भूल ना करें। यदि आप अपनी उतरे हुए कपड़ों को किसी को देना चाहते हैं, जूते बगैर हेतु किसी को देना चाहती हैं, उसे बस यूं ही दे दें, दान का नाम ना दें। इस प्रकार प्यारे दोस्तों, आपको एक काम यह भी करना होगा कि शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना होगा। सरसों के तेल का जब आप दीपक जलाएंगे तो आपको ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप भी करना होगा। आपको 11 शनिवार यह उपाय करना है, साथ ही साथ आपको छायादान भी अवश्य करना है। प्यारे दोस्तों, छायादान शनि देव को बहुत प्रिय है, शनि को छाया पुत्र ही कहा जाता है। तो जब आप शनि देव को छाया दान करते हैं, शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाने लगते हैं और आपके द्वारा की गई गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, इंसान होने के नाते गलतियां होना स्वाभाविक है, तो आपसे भी कोई गलती अवश्य हो जाती होगी। तो आपको छाया दान करके शनि देव से माफी मांगनी होगी और शनि देव आप पर प्रसन्न होकर आपको तुरंत माफ भी कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये तो थे दीप से जुड़े हुए उपाय। इसी क्रम में एक उपाय और भी कर सकते हैं कि अपने घर में भी, अपनी पूजा स्थल में भी शनि देव के नाम से एक सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। यह भी बहुत ही कारगर उपाय। प्यारे दोस्तों, याद रखना है कि आपको उस शनि देव को क्रूर ग्रह या क्रूर देवता के तौर पर नहीं देखना है। जब आप शनि की आराधना करते हैं तो उन्हें एक सौम्य और न्याय के देवता के तौर पर ही उनका पूजन करें। अपने मन में जो उनकी इच्छा भी बनाए, एक दयालु और न्यायप्रिय देवता की बनाए, किसी क्रूर देवता की नहीं। लोग शनि को तमाम तरीके से दुष्ट प्रचारित करते हैं और कई तरह से शनि के बारे में गलत भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। अपने कर्मों की सजा जब लोग प्राप्त कर रहे होते हैं तो शनि देव को दोषी बना देते हैं। प्यारे दोस्तों, शनि को ही दुष्ट नहीं है, शनि तो एक देवता है और देवता का काम होता है देना। लेकिन शनि को जब प्रसन्न करना हो तो कुछ करते हैं जिन्हें जीवन में अपनाना पड़ता है, और यह बहुत कठिन कार्य है। प्यारे दोस्तों, यह आसान नहीं है, इसीलिए लोग गलतियां करते हैं और बाद में शनि की क्रोध का भजन बनते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको अपने कर्मों पर भी कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करती हैं बुध की। प्यारे दोस्तों, अब कितनी ही माता लक्ष्मी की पूजा कर ले, कितनी ही को वीर की पूजा आराधना कर ले, आपको लाभ प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो किसी न किसी माध्यम से ही आपके पास आएगा और धन के माध्यम जो हैं वह सभी संपन्न होते हैं। जब आप खुद को मजबूत करते हैं, बुध को व्यापार का ग्रह माना जाता है, जब आप बुध को मजबूत करेंगे तभी आपके व्यापार अच्छे चलेंगे और आपके घर में धन संपदा लक्ष्मी आएगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको बुध को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा, आप गाय को हरी हरी घास खिलाएं। जी, आपकी मनोकामना है, व्यापार से जुड़ी है। हरी घास के छोटे छोटे 11 रन बनाने हैं, छोटे छोटे से 11 घंटे बनाने हैं और 11 घट्टर को बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में ले जाना है और गणेश जी की मूर्ति के चरणों में रख देना है।
जी हाँ प्यारे दोस्तों, और गणेश जी को अपने जीवन की सारी तकलीफ है। अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा खुलकर बताएं, मन ही मन बताएं। कैसे बताएं? जैसे कि कोई आपका घर का बड़ा बुजुर्ग आपसे कोई जानने की कोशिश कर रहा है। आपके मन का भाव, आपका सच्चा प्रेम भगवान गणेश को आपके ऊपर मोहित कर देगा और आपके ऊपर उनकी कृपा बरसने लगेगी। तो प्यारे दोस्तों, जब आप अपनी पूजा आराधना समाप्त कर लें, तो उसके बाद वह 11 घास के गट्ठर हैं, उन्हें लाकर गाय को खिला दें। बस आपको इतना करना है, 11 हाजी बुधवार करना है। इसके बाद आपका बुध मजबूत हो जाएगा, भगवान गणपति की आपके ऊपर संपूर्ण कृपा हो जाएगी, और इधर आपने शनिदेव को भी मजबूत करने का उपाय कर लिया है, तो अब आने वाले 3 दिनों में जो सहयोग शुरू होने जा रहा है, उस आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, आपको ऐसे ऐसे स्रोत प्राप्त होंगे, ऐसी ऐसी खुशखबरी या प्राप्त होंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे स्रोतों से धन आएगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, याद रखना कि जब देवी देवता हम पर प्रसन्न होते हैं, तो हमारे कर्मों का कई गुना परिणाम, कई गुना फल हमें देते हैं, और यही अब आपके साथ होने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि ज्योतिष कार्यक्रम में दी गई जानकारी से आप कुछ लाभ ले पाएंगे और आप अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। आपके जीवन में 1% भी बदलाव आता है, आपका जीवन बदलता है, तो हमें बेहद प्रसन्नता होगी। मां चामुंडा के लिए हमारी पूजा आराधना सफल हो जाएगी। इसी के साथ आज का ज्योतिष कार्यक्रम समाप्त करते हैं। कमेंट में जय मां चामुंडा लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद।